आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मल्टीमीटर को ठीक कैसे किया जाता है। देखिए ये हवा में ही रीडिंग को शो कर रहा है। आप इसे घर पर इजीली ठीक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। देखिए ये हवा में ही बीप साउंड भी कर रहा है। और हम इसको टच भी नहीं कर रहे और ये बीप का साउंड कर रहा है फिर भी। Subscribe my channel Technical Suhail Latif and press the bell button. और आपको दूसरी मल्टीमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक करने के लिए। जब आपका मल्टीमीटर ही खराब होगा तो दूसरा कहाँ से लाएंगे? और ये बहुत ही आसानी से घर पर ही ठीक कर सकोगे। देखिए अंदर से इसका कोई रेजिस्टेंस खराब हो गया होगा जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। अब ये आपको चेक करना है। मैं चेक करने का तरीका आपको बताऊंगा। देखिए ऐसी आपको एक वायर लानी है जिसमें करंट पास हो। आपको एक एक रजिस्टर चेक करना है, उनको डायरेक्ट टच करना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। जो खराब होगा उसमें ये रीडिंग दिखाएगा 000। देखिए यही खराब है इसलिए ये 000 दिखा रहे हैं। ये 1K का रजिस्टर इसका खराब है। इसका हम ये उठाएंगे और 1K का रजिस्टर लगाएंगे। आपको जो भी वैल्यू का रजिस्टर निकलेगा खराब आपको उसी वैल्यू को लगाना है। इस वाली सोल्डिंग आयरन की भी वीडियो आएगी 2-3 दिन में। जब मैं वो वाली वीडियो चलाऊंगा इसके आई बटन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। देखिए हमने इसमें रजिस्टर निकाला 1K का जो था। अब हम इसके बदले 1K का सिंपल रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल बटन को और इस वीडियो को भी लाइक करो शेयर करो। इस तरीके से आपको लगाना है, इजीली लग जाएगा। देखिए हमने इसको लगाया भी। अगर ये लगाते लगाते दिखाते तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। अब हम इसको बंद करेंगे और आपको मल्टीमीटर ठीक हो गया। अब हम इसको चेक करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए अभी 000 रीडिंग दिखा रहा है। अब हम इसके बैटरी को चेक करेंगे। अभी रीडिंग हवा में शो नहीं कर रहा है। देखिए 4 वोल्ट की बैटरी है जो कि पुराने लैपटॉप की बैटरी है। देखिए 4 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए अब हम दूसरी बैटरी को भी चेक करेंगे। देखिए 3 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब हमारा मल्टीमीटर जो है ठीक हो गया है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपका मल्टीमीटर खराब हो गया।